स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं नाइन्थ क्लास की मैथ। नई क्लास, नया सब्जेक्ट। नाइन्थ क्लास की मैथ में हम स्टार्टिंग कर रहे हैं यूनिट 6 अध्याय 6, जिसका नाम है रेखाएं एवं कोण, लाइन एंड एंगल। यहाँ पर कुछ परिभाषाएं लिखे हुए हैं। कौन से टर्म्स की क्या परिभाषा है, इसको पहले हम समझ लेते हैं, जिससे हमको ये जो टॉपिक है ये अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रेखाखंड क्या है। रेखाखंड को हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। ये रेखाखंड क्या है? एक रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु होते हैं रेखाखंड कहलाता है। यानी ए पार्ट ऑफ लाइन विथ टू एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड ए लाइन सेगमेंट। हम रेखा को कैसे इंडिकेट करते हैं? कोई लाइन को इस प्रकार से इंडिकेट किया जाता है। लाइन को दोनों डायरेक्शन में बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। ये राइट हैंड साइड पर भी बढ़ सकता है, लेफ्ट हैंड साइड पर भी बढ़ सकता है। तो रेखा का वह भाग, लाइन का वह पार्ट, वह पोर्शन जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं, अगर हम इस पॉइंट को यहाँ पर ए से इंडिकेट करें, यहाँ पर इस पॉइंट को हम बी से इंडिकेट करें, तो ए बी जो होगा वो क्या कहलाएगा? लाइन सेगमेंट कहलाएगा। ये एक लाइन है, इस लाइन का एक एंड पॉइंट ये हुआ, एक एंड पॉइंट ये हुआ, तो यह जो दो एंड पॉइंट वाला मिलकर के बना हुआ है, इसको क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट या रेखाखंड। इसको इस प्रकार से भी आप पिछली क्लासेस में इस प्रकार से आप प्रदर्शित करते थे, ए बी, ठीक है। अब देखिए सेकंड, किरण क्या है? रे, रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु, जिसका केवल एक एंड पॉइंट हो, उसको क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। अगर हम यहां पर देखें, ये रेखा है, इस रेखा का अगर एक एंड पॉइंट हो, एंड पॉइंट को हम किसी से ओ से इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है, एल से इंडिकेट कर सकते हैं, तो यहां पर केवल एक एंड पॉइंट हो, इधर एंड पॉइंट ना हो, ठीक। अगर हम इस तरह से कहें तो ये क्या कहलाएगा? हम इसको ए बी भी इंडिकेट कर सकते हैं। अगर हम इस प्रकार से इंडिकेट करना चाहें, ए बी, ये इसका एक एंड पॉइंट है, एक तरफ एरो है, इसको हम क्या कहेंगे? किरण या रे कहेंगे। ए पार्ट ऑफ लाइन विथ वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड अ रे, ठीक। जिसका लाइन का वन पोर्शन, वन पार्ट जिसका एक एंड पॉइंट होता है, एक तरफ एंड पॉइंट नहीं होता है, उसको हम क्या कहते हैं? किरण या रे कहते हैं। उसको हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते थे, ठीक है। फिर अब देखिए, आज का जो प्रदर्शित करने का तरीका है, उसको हम किस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए आपने लाइन दिया होगा, तो लाइन को हम इस प्रकार से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, जो दोनों तरफ पर जिसको बढ़ाया जा सकता है उसको हम लाइन कहते हैं। यानी जिसके कोई भी एंड पॉइंट ना हो वह लाइन कहलाता है, रेखा कहलाता है। और रेखा को यहाँ पर कहीं पर स्मॉल एम से इंडिकेट किया जाता है, कहीं पर स्मॉल एल से इंडिकेट किया जाता है, या एल से इंडिकेट किया जा सकता है। किस प्रकार से लाइन को इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट डिफिनेशन है संरेख बिंदु, कोलिनियर पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर पॉइंट्स क्या है? यदि तीन या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर हो तो वो क्या कहलाती है? संरेख बिंदु या कोलिनियर पॉइंट्स कहलाती है। पॉइंट्स के बारे में चर्चा हो रही है कि अगर तीन पॉइंट्स हो या तीन से अधिक पॉइंट्स ऐसे हो जो एक ही लाइन पर, तो उन पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं? संरेख बिंदु कहते हैं। उन बिंदुओं को हम संरेख बिंदु कहते हैं। इफ थ्री आर मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन दे आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। अगर इस प्रकार से पॉइंट्स को इंडिकेट करें, एक मान लीजिए यहाँ पर ए पॉइंट है, एक यहाँ पे बी पॉइंट है, एक यहाँ पे सी पॉइंट है, एक यहाँ पे डी पॉइंट है। अगर ये सभी पॉइंट्स एक ही लाइन पर आते हो तो ये सभी पॉइंट्स को हम क्या कहेंगे? कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे। अगर ए बी सी तीन या तीन से अधिक, ये तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, बट दो नहीं हो सकते, ठीक है, दो नहीं होंगे। तो तीन या तीन से अधिक जो पॉइंट्स एक ही लाइन पर हो, उन पॉइंट्स को क्या कहा जाता है? कोलिनियर पॉइंट्स। यहाँ पर ए बी सी डी संरेख बिंदु है या कोलिनियर पॉइंट्स है, ठीक है। फिर उसके बाद असंरेख बिंदु, अगर ऐसा नहीं है, यानी तीन या तीन से अधिक जो पॉइंट्स हैं वो एक ही लाइन पर ना हो, तो उन बिंदुओं को हम क्या कहते हैं? असंरेख बिंदु कहते हैं।
है ना, या नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। अगर हम इस प्रकार से देखें कि ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है और यदि सी यहाँ पर होता, ठीक है, तो अगर हम देखें कि अगर ये एक लाइन सी हमारा इस लाइन से दूसरी जगह पे है, बगल में है, ऊपर है, या अगर हम बी को इधर ले रहे नीचे है, या हम ई को इधर ले रहे, तो चूंकि यहाँ पे जो बी सी है, ई है, डी है, वो एक ही लाइन पे नहीं है, इस कारण से इसको क्या कहा जाता है, है असंरेख बिंदु, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहा जाता है, ठीक है, इन पॉइंट्स को कहते हैं। फिर भुजाएं क्या है, भुजाओं को क्या कहते हैं, आर्म्स या साइड। कोई भी जब हम एंगल बनाते हैं तो उस एंगल को बनाने के लिए जो साइड होती है, जैसे जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर एक एंगल बनाया, ठीक है, ये हो गया एंगल, कैसे बनेगा इसको बताते हैं, बी हो गया और ये सी हो गया। अगर दो रे, दो किरणों को इस प्रकार से हम कहें कि उनका एक ही, दो रे का अगर एक ही कॉमन पॉइंट हो, तो इससे क्या बनता है, एंगल बनता है, ठीक है, कोण बनता है। तो इसकी जो आर्म्स होंगी वो क्या होंगी, ए बी, एक आर्म से एक भुजा है, दूसरी आर्म क्या हो जाएगी, बी सी, एक आर्म से दूसरी भुजा हो गई, ठीक है। इसकी दो भुजाएं हैं, इसी एक एंगल में दो भुजाएं होती हैं, एक का नाम है यहाँ पर ए बी और दूसरे का नाम हो गया बी सी, ठीक है। तो ये हो गई हमारी साइड्स, इसके दो साइड्स हो गए, ए बी एंड बी सी हो गए। फिर शीर्ष क्या है, शीर्ष को हम वर्टेक्स कहते हैं। कोई जो एंगल बनता है उसका जो कॉमन पॉइंट होता है ये क्या कहलाता है, शीर्ष कहलाता है या वर्टेक्स कहलाता है। कोई जो एंगल बनाते हैं उस एंगल में कॉमन पॉइंट होता है, वह पॉइंट ए बी रे का भी कहलाएगा और बी सी रे में भी आएगा, ये कॉमन पॉइंट होता है, इस कॉमन पॉइंट को क्या कहते हैं, वर्टेक्स या शीर्ष कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कुछ लाइन और एंगल से रिलेटेड कुछ परिभाषाएं देखी, डिफिनेशन देखी। तो आज के वीडियो में इतना ही, आगे मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।